नहीं 35 रुपए की, सॉरी 35 रुपए की ये दो छोटी सी फूल गोभी है और टमाटर, और इतने 35 सीडी के ये 35 रुपए के 4 शिमला मिर्च है, हैं। और इसमें क्या है भैया, और 35 सीडी की है ये भिंडी ओकरो, और 35 सीडी का है ये मेरा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घरों में, हम भी ठीक हैं। और मेरे दिन की शुरुआत हो रही है झूले से, यानी कि मैं बगीचे पर आई हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट हमारा काफ़ी टाइम पहले हो गया है, तो अभी ऊपर कुछ काम था नहीं तो मैं आ गई हूँ नीचे झूलने के लिए। और अगम का तो अपना एक ही रोज़गार है, अगम का मिट्टी में खेलना, और वो मिट्टी में खेल रहा है, दिखाऊँ? वो बैठ गया गेट के पास, अब मुझे बोल रहा है आप झूले में झूलो, और आप चले गया वहाँ, अभी तक यहाँ खेला था वहाँ चले गया, ऐसा ये लड़का है। यहाँ पे झाड़ू वाड़ लगा दिया उन्होंने अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे कटिंग करते हैं, तो अभी ये लोग सैंपल मिक्स कर रहे हैं, फिर यहाँ पे कटिंग काटने के लिए आ जाएंगे, और तब तक मैं ले रही झूले का आनंद। मुझे ना अपने पुराने दिन याद आ रहे, क्योंकि हम लोग भी गर्मियों के दिनों में जब छुट्टी, पहले तो स्कूल में 2 महीने की छुट्टियाँ पड़ती थी, अब मई और जून, क्योंकि फिर उसके बाद रिज़ल्ट मिलता था, रिज़ल्ट मिल जाता था उसके बाद होमवर्क देते थे काफ़ी सारा, जो मतलब एक दो दिन क्लास लगती थी उसके बाद फिर होमवर्क देते थे बहुत सारा, तो होमवर्क हम फटाफट फिनिश करके उसके बाद हमारा काम होता, हम आम के पेड़ में हमारे ऊंच बहुत मतलब बगीचा क्या था, 4-5 पेड़ थे हमारे, तो उसमें एक बहुत बड़े आम का पेड़ था, तो उसमें हम ना लंबी रस्सी होती जो बर्रा होता है, बर्रा बांधने वाला, उसे उसको बांध के, मोटी रस्सी होती नहीं मोटी, उसको बांध देते थे ऊपर और उसमें झूला बांध देते थे, फिर झूलते थे। तो वो दिन मुझे याद आ रहे हैं, इनका झूला थोड़ा डिफरेंट है, इन्होंने बहुत लंबा ऐसे फट्टा डाल के झूला बना रखा है, तो मुझे वो दिन याद है। तो मैं अपने उन मतलब अपने बचपन की यादों को ताज़ा करती हूँ, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक बने रहिए हमारे व्लॉग्स एको व्लॉग्स में। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। ये आंटी बोल रही है मुझे मत दिखाओ, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्योंकि मैंने ले रखा है फास्ट, तो मेरी शक्ल अच्छी नहीं आ रही है। और इसकी पेट में देखो बच्चा कैसे बैठ रखा है बच्चे को आनंद आ रहा है क्योंकि वो उसकी पीठ, अपनी मम्मी की पीठ में बैठा है। और ये लोग जा रहे थे पिकिंग करने किसी और कंपनी में, तो ये इन्होंने मुझे यहाँ बैठा हुआ देखा तो ये बैठ गई। अब मैं इसकी आंटी को दिखाऊँगी, मैं बोलूँगी दिखाओ, मैंने इसको बोला आप बहुत सुंदर हो, दिखा दो दिखा दो, बोलती है नहीं 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 मैं नहीं दिखाऊंगी, मैंने मेरे हाथ भी गंदे हो रहे हैं और मैं नहीं दिखाऊंगी, मैं दिखाऊंगी बाद में जब मेरे फास्ट ख़त्म हो जाएंगे। मैंने कहा ऐसा मत करो आंटी, प्लीज़ दिखा दो दिखा दो, बोलती है नहीं 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 मैं नहीं दिखा रही, फिर मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया, ठीक है। आराम I'm going speed. You're going to where? I'm going. You're going? Yes. Where? India. Ah. He's going to India. Why? You're not going to India. Why? 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 Huh? Why? Thank you. फ्रेंड्स, मार्केट करके सिक्की आ गया है, तो 1900 रुपए की सब्जी आई है, कितनी मैं दिखाती हूँ आपको, ये बैक कैमरे से दिखाती हूँ एक सेकेंड। ये है करीबन 400 रुपए के आलू हैं, जिसमें ये 8-10 आलू मिले हैं, 8-10 आलू मिले हैं 400 के रुपए में, और बाहर के 10 सीढ़ी के ये 3 पोपो मिले हैं, पपाया ये तो हमारे सप्लायर ले गया था, अवाकाडो, और 10 सीडी के मैंने 2 कोकोनट मंगाए थे, और जिंजर मंगाया था 5 सीडी का, और 10 सीडी के मंगाए थे मैंने ओनियन, और यहाँ है 5 सीडी की, बाहर की जो 5 सीडी होता है उसका ये मंगाई है ग्रीन पेपर, हम यही यूज़ करते हैं लोकल वाली, और गाजर देखो क्या कहोगे आप, ये नींबू है, ये कौन कैबेज है, और 35 सीडी की ये 35 रुपए की, सॉरी 35 रुपए की ये 2 छोटी सी फूल गोभी हैं,
और टमाटर, और इतने 35 CD के, ये 35 रुपए के 4 शिमला मिर्च है, हैं। और इसमें क्या है भैया, और 35 CD की है ये भिंडी ओकरो, और 35 CD का है ये मेरा बीन्स फ्रेंच बीन। तो मतलब ऑल ओवर मेरी जो सब्जी आई है वो आई है 1900 रुपए की। और अगर हम अपने इंडिया में जाएंगे सब्जी लेने, 1900 रुपए की सब्जी, 1900 रुपए में तो मतलब पता नहीं कितना कुछ आ जाएगा यार। 20-20 रुपए के तो किलो तो आलू मिलते हैं वहां पे, और यहाँ आलू इतने महंगे हैं, और वो भी मतलब इस बार आलू अच्छे मिले हैं। हर बार हमारी आलू में वो जो रेड कलर के नेट वाले में जो बने आते हैं उसमें 4 आलू आते हैं, वो भी बड़े बड़े, कभी तो 3 ही आते हैं, कभी 2 ही आते हैं। बड़े होंगे तो, ज़्यादा बड़े होंगे तो 2 आएंगे, और बाकी छोटे होंगे तो 3 या 4 आ जाते हैं। तो उसमें भी क्या होता कि हमारे हर बार के आलू में से 2 आलू तो ख़राब निकलते ही निकलते थे, तो इस बार अच्छे आलू हैं तो मैं खुश हूँ आलू को देख के। लेकिन यार 1900 रुपए की सब्जी में मतलब क्या खाओगे आप, क्या बचाओगे, कुछ भी नहीं कर सकते। और हाँ, एक चीज़ तो मैं दिखाना ही भूल गई, लौकी, ये पता कितनी महंगी है, 20 CD की 2, बहुत ही मुश्किल है रे। अब क्या बनाएंगे, इसकी इसकी कोई सब्जी बनेगी, हम 5 हो गए हैं खाने वाले, इसकी कोई सब्जी बन सकती है, इसके तो कोफ्ते ही बनेंगे, इसकी कोफ्ते बनाऊंगी। और एक और है इसकी, इसमें आलू डाल के या इसको चने की दाल के साथ इसकी सब्जी बनाऊंगी। एक हफ्ते की सब्जी हमारी 1900 रुपए की, क्या कहोगे आप, क्या कहेंगे आप इस बारे में, कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं इस विषय में कि इतनी महंगाई क्यों है यहाँ पे, क्यों डॉलर की वजह से इतना दिक्कत आ रही है, हद से ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अब सब्जियों को धो लेते हैं, धो के डालते हैं फ्रिज में, मिलते हैं उसके बाद, बाय। डांस ही